6,000 रुपये लेके हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, हमारी इस ट्रेडिंग जर्नी पे कौन से दिन मेरे को प्रॉफिट होता है, कौन से दिन मेरे को लॉस होता है, मेरे ट्रेडों के पीछे क्या लॉजिक रहता है, हर एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंड इस 6,000 को 6 लाख तक जो है लेके भी जाने वाला हूँ। ये हमारा ट्रेडिंग जर्नी का एपिसोड नंबर है 14। सो आज के दिन हमने कैसे किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कैसे किया, वो हर एक चीज़ आप लोगों को बताते हैं। बट उससे पहले आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अपने ओर से छोटा सा लाइक कर दीजिएगा एंड कोई भी भाई चैनल पर नए हो, आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नी ट्रेडिंग सीरीज पसंद आ रहा देन आप लोग चाहो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसे ये टोटली आपका पर्सनल चॉइस है। ओके, तो आज है दोस्तों 19 अक्टूबर, तो आज के दिन हमने एक ट्रेड लिया एंड इसी एक ट्रेड में मेरा जो है टारगेट हिट हुआ। मेरा एक चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, ओके, जो मेरा डेली का लॉस एंड प्रॉफिट लेने का लिमिट है, डेली का लॉस लेने का लिमिट है मेरा 150 एंड प्रॉफिट लेने का लिमिट है 300। मतलब 150 हो जाए उसके बाद मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, 150 ऐसे लिट हो जाए उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा एंड 300 प्रॉफिट हो जाए उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा एक टारगेट है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो आज मैंने एक ही ट्रेड लिया, सिंगल ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ, लास्ट डे मेरा प्रॉफिट हुआ था, लास्ट डे मेरा 300 मुझे मिला था एंड उसके बाद मेरा कैपिटल जो है वो बना था 6,540 रुपये। एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसी कैपिटल से हमने आज ट्रेड किया एंड आज भी हमने 300 का प्रॉफिट बनाया। आज मैंने ओनली एक ट्रेड लिया, कहाँ पे ये ट्रेड लिया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। ओके, देखो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। चैट है दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, चैट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, अगर निफ्टी फिफ्टी का है ये। अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों का ध्यान दोगे तो ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रहा था, रेजिस्टेंस आ रहा था, जो भी बोलो रेजिस्टेंस आ रहा था, जिससे मार्केट एक बार 11 अक्टूबर को रेजिस्टेंस लिया था एंड सेकंड रेजिस्टेंस लिया था 17 अक्टूबर को एंड लास्ट डे मतलब 18 अक्टूबर को हम लोगों को यहाँ से एक फॉल जो है देखने को मिला था ये ट्रेड लाइन को, और नीचे से भी एक ट्रेड लाइन आ रहा था। ओके, नीचे से भी गाइस ये ट्रेड लाइन आ रहा था, इसको ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक फॉल दिखाया था 17 और 18 अक्टूबर को। ओके, 17 एंड 18 अक्टूबर को ये फॉल जो है हम लोगों को देखने को मिला था एंड इसके बाद जो है मार्केट आज इस जगह पे था एंड इस जगह पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया, आप लोग देख सकते हो, इस जगह पे कई बार सपोर्ट भी लिया है एंड कई बार रेजिस्टेंस भी लिया है। मतलब ये जगह जो है ना एकदम चॉपी टाइप का जगह है, अगर आप लोग नोटिस करोगे एकदम शुरू से, अगर आप लोग नोटिस करोगे, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को देखोगे तो चार्ट आप लोगों को सब कुछ बताता है। ओके, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, ट्रेड लेने के बाद मतलब ट्रेड नहीं लिया था। ओके, यहाँ पे एक बार देखो, मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया फिर ऊपर गया है, इस जगह पे सपोर्ट लिया। ओके, सेकंड टाइम इसको वैल्यू उतना नहीं दिया लेकिन वापस से एक बार इसको अगेन वैल्यू मिला एंड इस जगह पे सपोर्ट का काम किया है। ओके, एंड अगेन एक और बार एक दिन का जो है कैंडल क्लोजिंग हुआ था इस जोन के अंदर ही, जो मैंने मार्क किया इसी जोन के अंदर ही क्लोज हुआ था। नेक्स्ट डे इसको कुछ भी खास कुछ वैल्यू नहीं मिला, अगेन एक दिन का शुरुआत हुआ था इस जगह से, यहाँ से बुलिस आया था। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज का मार्केट भी सेम उसी जगह पे था। तो अब मैंने ट्रेड जो लिया वो लिया दोस्तों 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ओके, इसी जगह पे आप लोग अगर देखोगे मार्केट पहले ऊपर गया, मतलब ये जोन था 19,640 से 19,660 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट फर्स्ट टाइम गया या से रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे मार्केट जब वेट कर रहा था मैं प्लान कर रहा था कि अपसाइड का लेने का, फिर मैंने देखा अपसाइड लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ से लास्ट टाइम मार्केट मतलब लास्ट डे मार्केट जो है बेरिश था, तो यहाँ से मार्केट जो नीचे जा सकता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ऊपर साइड से लेंगे। तो जैसे मार्केट मेरे जगह पर आया मतलब इस जगह पर आ गया, यहाँ से मैंने पुट साइड का ले लिया, मुझे अगले 3 कैंडल में अपना टारगेट जो है मिल गया। टारगेट से हालांकि ज़्यादा मिल रहा था बट मैं वेट कर रहा था कि मतलब जैसे कि मैंने प्रीमियम बाय किया था, जान दो गाइस याद नहीं आ रहा कितने का प्रीमियम मैंने बाय किया था, जितना भी मैंने बाय किया था उसके बाद मुझे 6 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा था, मतलब 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट के आसपास मुझे कुछ मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, तुरंत 6 पॉइंट पे ऐसे लगा दिया कि जो भी हुए मेरे को ये 6 पॉइंट चाहिए, मतलब 300 रुपये मेरे को मिले एंड इसके बाद का नहीं भी मिले चलेगा और मिल जाए तो और बढ़िया। हालांकि इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आया, 2-3 पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा ले सकता था बट नहीं लिया, वो जाने दिया, वो बाकी मार्केट जैसे ये अगला हरा कैंडल बनाया उसमें मेरा ऐसे लिट हो गया। ओके, ये चीज़ हुआ, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया एंड ट्रेड लेते ही अगले 3 कैंडल में मुझे प्रॉफिट जो है मेरा मिल गया एंड बाकी भी उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, यहाँ पे नीचे लोगों को ट्रैप किया, ऊपर लोगों को ट्रैप किया एंड देन मार्केट जो है एंड में
3 PM हल्का करके नीचे आ गया। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट डे मतलब कल फ्राइडे, फ्राइडे के दिन मार्केट जो है नीचे खुलेगा, गैप डाउन खुलने का चांसेस है, ये मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या लगता है। एंड यही था मेरा आज का ट्रेड। एंड एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग जीरोधा या एंजल या धन किसी भी ऐप से ट्रेड कर रहे हो, देन अगर यही 300 रुपये मैं उन ऐप से कमाता, मतलब उन ऐप से अगर मैं ट्रेड करता, तो यही 6 पॉइंट का मुझे 250 रुपीज़ मिलता, क्योंकि 50 रुपये मेरा ब्रोकरेज में चल जाता। तो इसी वजह से मैं जो है एमस्टॉक यूज़ करता हूँ, इसमें जीरो ब्रोकरेज वाला सीन है। जीरो ब्रोकरेज की वजह से आपका ब्रोकरेज जो है बचता है, डेफिनेटली बचता है। एंड जो लोग छोटे ट्रेडर है, जो लोग सिंगल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं या शुरुआत कर रहा है, उनके लिए तो मुझे लगता है कि ब्रोकरेज जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मेरे लिए भी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसीलिए मैं एमस्टॉक यूज़ करता हूँ। एंड इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ब्रोकरेज जो है बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग में से भी कोई इंटरेस्टेड हो जिनको जीरो ब्रोकरेज चाहिए, देन डेफिनेटली एमस्टॉक पे अकाउंट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाओ अकाउंट बनाओ। और हाँ एक चीज़, अकाउंट बनाते वक्त आप लोगों को 999 पे करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आगे का आपका लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री रहेगा। डेली का 100-200 तो आप लोग ऐसे ही देते रहते हो, 10 दिन का सेव कर लोगे तो इजीली आ जाएगा 1000 रुपीज़, एंड उसको पे करके जो है अकाउंट बना सकते हो। और मैं इस ऐप को पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं आया अभी तक मेरे को, सब कुछ स्मूथ वर्किंग है, कुछ भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग अपना ब्रोकरेज बचाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट जो है बना सकते हो। यही था मेरा आज का दिन, आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों का दिन कैसा गया। एंड आगे मिलता हूं एक फ्रेश न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टार्ट एंड बाय बाय।